नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट निंजा कोलिंग प्रो स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे। और जब ये लॉन्च हुई थी तब इसकी प्राइस थी 1999, लेकिन अब इसकी प्राइस है 2499। मुझे ऐसा लगता है अगर ये वॉच आपको 2499 या उसके अंडर मिलती है तो काफी अच्छी डील है, लेकिन अगर आपको 2499 से ऊपर पे करना पड़े तो ये एक्सपेंसिव डील होगी। ये है कोलिंग स्मार्ट वॉच। बात करते हैं इसके मेन स्पेक्स की, तो इसमें है 1.69 इंच का HD डिस्प्ले, कोलिंग फीचर, IP67 वाटर रेसिस्टेंट, मतलब कि आप पानी में 1 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर सकते हो, वॉइस असिस्टेंट, 120 स्पोर्ट्स मोड। इसके अलावा इसमें है SpO2 एंड हार्ट रेट ट्रैकिंग, इनबिल्ट गेम्स, कैलकुलेटर, स्मार्ट नोटिफिकेशन, कैमरा कंट्रोल एंड म्यूजिक कंट्रोल। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप, हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो ये है वो चीजें जो आपको मिलती है इस बॉक्स के अंदर, यूजर मैनुअल, वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड, वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है इस कार्ड में बताया गया है, आपको इस वेबसाइट पे विजिट करके अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है और फॉर्म को सबमिट करना है। यह है बोल्ड प्ले ऐप मेंबरशिप वाउचर, गाना प्लस सब्सक्रिप्शन 3 महीने के लिए और बुक माई शो का वाउचर। इन सभी वाउचर्स को रिडीम करने के लिए आपको सबसे पहले इस वॉच का रिव्यू पोस्ट करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट पे और उस रिव्यू का स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है फायरबोल्ट को, उसके बाद आपको कूपन कोड मिलेंगे और उसके बाद फिर आप इन वाउचर्स को रिडीम कर पाओगे। यह है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है, यह मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है। इसे चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 घंटे और आपको मिलेगा 5 दिन का बैटरी बैकअप, लेकिन अगर आप कूलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 1 या 2 दिन का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो, जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच के बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। बात करते हैं इस वॉच के फिजिकल ओवरव्यू की, तो राइट साइड में दी गई है एक राउंड मेटालिक बटन, जो बॉडी है प्लास्टिक की है, बैक भी इसका प्लास्टिक का है, सिलिकॉन के स्ट्रैप अच्छी क्वालिटी के है, ऊपर में आपको मिलेगा मेटालिक बकल और फिर 2 स्ट्रैप्स होल्डर। बैक की बात करेंगे तो यहां पे है स्पीकर और माइक कॉलिंग फंक्शन के लिए, इसके अलावा 2 पिन चार्जिंग स्लॉट। जो स्ट्रैप्स है इन्हें आप रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और ऐसे बाहर करना है, इंसर्ट करने के लिए नीचे वाली पिन को अलाइन करना है होल में और फिर इसे ऊपर की पिन को खींचना है नीचे और ऊपर वाले होल में अलाइन करना है इस तरीके से। फर्स्ट टाइम स्विच ऑन करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, अब मैं इसे करूंगा स्विच ऑन। स्विच ऑन करने के लिए आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है और जैसे लोगो आपको शो करेगा उंगली आपको रिलीज कर देनी है। तो वॉच स्विच ऑन हो चुकी है, अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है दाफिट। इसे आपको डाउनलोड कीजिए, इसके बाद आपको इसे करना है ओपन। आपको अपना जेंडर, बर्थडे, आपकी हाइट सेंटीमीटर में और आपका वेट केजी में सेट करना है यहाँ पे अपने हिसाब से। फिर आपको टिक पे टैप करना है, अलाउ कीजिए, ऊपर में 2 ऐड लिखा हुआ है उस पर टैप कीजिए, वाइल यूजिंग द ऐप अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। आपको वेट करना है, यहाँ पे शो करेगा फायरबोल्ट 039, जब फोटो शो करेगी आपको उस पर टैप करना है। इसके बाद डिवाइस के टैप पे आइए, बैटरी परसेंट यहाँ पे शो करेगा, समझ जाना कि आपकी वॉच पेयर हो चुकी है। तो आप देख पा रहे हो अब जो वॉच है पेयर हो चुकी है। सबसे पहले हम देखेंगे पेयर कैसे करना है, तो आपको मिलेगा ये पॉपअप, आपको पेयर पे टैप करना है ताकि आपके वॉच में भी अब आप कॉल को रिसीव कर सको। अगर आपको ये पॉपअप शो नहीं करता है तो आपको जाना है आपके फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में, बीपे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे फायरबोल्ट 039 शो करेगा, आपको देखना है कहाँ पे शो कर रहा है उस पर टैप करना है। टैप करोगे तो वो कनेक्टेड हो जाएगा, इसके बाद आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉच फेस के बारे में, किस तरीके से आपको
वॉच पे इसको डाउनलोड करना है, अप्लाई करना है, तो आपको इस पर टैप करना है। आपको मिलेंगे यहाँ पे एक साथ 8 वॉच फेसेस, हालांकि आप यहाँ पे एक साथ 9 वॉच फेस को सेट कर सकते हो। अगर आपको किसी को भी चेंज करना हुआ तो आपको बस उस पर टैप करना है, जो वॉच फेस है अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर आपको किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करना है तो आपको मोर वॉच फेस पे टैप करना है, तो आपको इसमें मिलेंगे 200 प्लस वॉच फेसेस। आपको जिसे डाउनलोड करना है आपको उस पर टैप करना है। मान लो मुझे कोई ऐसा वॉच फेस डाउनलोड करना है जिसमें बैटरी परसेंट भी शो करे, तो ये रहा वो वॉच फेस जिसमें बैटरी परसेंट शो कर रहा है, तो मैं इस पर टैप करके इसे करूंगा डाउनलोड। तो आप इस तरीके से किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। आप देख पा रहे हो जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है। अगर आपको वॉच फेस पे अपनी कोई भी फोटो सेट करनी हुई तो आप वो भी कर सकते हो। आपको वॉच फेस नंबर 2 के सामने एडिट लिखा हुआ है, उस पर टैप करना है। सिलेक्ट पिक्चर पर टैप कीजिए, जिस किसी फोटो को आपको सेट करना है उस पर आपको टैप करना है। मान लो मुझे ये फोटो सेट करनी है तो मैं इस पर टैप करूंगा। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आपको टिक पे टैप करना है ऊपर में। टाइम ऊपर में शो कर रहा है, आप चाहो तो टाइम को नीचे कर सकते हो। तो हम करेंगे टाइम पोजिशन बिलो, टाइम जो होगा अब नीचे शो करेगा। इसके अलावा टाइम के ऊपर आपको क्या शो करना है, तो मैं चाहता हूं टाइम के ऊपर स्टेप शो करे, और टाइम के नीचे मैं चाहता हूं डेट शो करे। तो इस तरीके से आप टाइम के ऊपर नीचे डेट स्लीप हार्ट रेट स्टेप्स में से कोई भी दो चीजें शो कर सकते हो। तो हमने यहां पे स्टेप्स और डेट शो की है। इसके अलावा जो फॉन्ट का कलर है आप उसे भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। और फिर आपको करना है सेव पे टैप। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी फोटो सेट कर सकते हो वॉच फेस पे, आप देख पा रहे हो। आगे है नोटिफिकेशंस, तो आपको फोन को करना है ऑन। परमिशंस को अलाउ कीजिए ताकि आप अपने वॉच में कॉल को रिसीव कर सको। मैसेज को भी ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए। और इनमें से किन ऐप्स की नोटिफिकेशन आपको देखनी है आपकी वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है। मैं चाहता हूं ट्विटर, आपको सबसे पहले करना है इनेबल। दा फिट को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो ये कुछ ऐप्स है जो आपको यहां पे मिल जाते हैं। अगर आपको सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन को ऑन करना हुआ तो आपको अदर्स को ऑन करना है। अगर आप अदर्स को ऑन करोगे तो आपके फोन में जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी उन सभी को आप देख पाओगे अपनी वॉच में भी। लेकिन ऐसा करोगे तो आपको काफी कम बैटरी बैकअप मिलेगा आपकी वॉच में, इसलिए जो काम के हैं आपको उन्हीं को ऑन करना है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से आपको कॉल का प्रीव्यू शो करेगा, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शंस, वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए, कॉल को एक्सेप्ट करने के लिए और कॉल को कट करने के लिए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे रिंग नहीं बज रही क्योंकि मैंने इस वॉच को सेट किया है वाइब्रेट मोड पे, तो केवल वाइब्रेशन होगा, रिंग नहीं बजेगी। तो आप इसे यहां से एक्सेप्ट कर सकते हो। और आपको मिलेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शंस। अगर मान लो आपको वाइब्रेट प्लस रिंग चाहिए तो आपको फिर जाना है सेटिंग्स में, कॉल अलर्ट में, मोड में आपको करना है वाइब्रेट एंड रिंग, मतलब कि अब वाइब्रेशन भी होगा और रिंग भी बजेगी जब आपको कॉल आएगा तब। इस तरीके से रिंग बजेगी। मान लो आपको कुछ समय के लिए कॉलिंग के फीचर को ऑन नहीं करना है तो आप यहां से उसे ऑफ कर सकते हो। इसके बाद कॉल का फीचर ऑफ हो जाएगा, मतलब आप कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे। हालांकि कॉल शो करेगा किसका कॉल आ रहा है, उसका प्रीव्यू भी आपको शो करेगा, लेकिन आप कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में आपको इस तरीके से कॉल का प्रीव्यू मिलेगा, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर। आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 ही ऑप्शन, एक तो होता है इस कॉल के प्रीव्यू को कट करने का और एक होता है इस कॉल को कट करने का। तो आप यहां पे टैप करोगे तो जो ये प्रीव्यू होगा यहां से रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। हालांकि फोन में अभी भी कॉल का प्रीव्यू शो कर रहा होगा। अगर आपको कॉल को रिसीव करना है अपनी वॉच में तो आपको कॉलिंग के फीचर को ऑन रखना है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। SMS आ चुका है और इस तरीके से उसका प्रीव्यू शो करता है। कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। यहां पे हिंदी फॉन्ट सपोर्ट करते हैं, इमोजी सपोर्ट नहीं करते, और आप स्वाइप अप करके पूरे मैसेज को रीड कर सकते हो। हालांकि पूरा मैसेज शो नहीं करेगा, 7 से 8 लाइन आपको शो करेंगी। आप चाहो तो यहां से इस मैसेज को डिलीट भी कर सकते हो डिलीट के बटन पर टैप करके। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो इस तरीके से व्हाट्सएप मैसेज शो करेगा।
इसमें अच्छी बात यह है कि SMS WhatsApp जब आते हैं तो डिस्प्ले इसका ऑन हो जाता है और आप यहाँ पे उस मैसेज को रीड कर सकते हो। इस तरीके से डिस्प्ले ऑन भी होता है और वॉच वाइब्रेट भी करती है जब कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव होती है तब। इसके अलावा अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया यहाँ पे तो आपको स्वाइप अप करना है और ये है आपके नोटिफिकेशंस, आपको जिसे रीड करना है उस पर टैप कीजिए, वो मैसेज आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने जो लेटेस्ट 7 मैसेज है उन्हें रीड कर सकते हो और अगर आप चाहो तो सभी को एक साथ क्लियर कर सकते हो यहां से क्लियर ऑल करके। आगे है अलार्म्स, तो आप एक साथ 3 अलार्म्स को ऐड कर सकते हो यहाँ पे। जो भी अलार्म्स आप ऐड करोगे आप उन्हें देख पाओगे अपनी वॉच में भी और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर वाइब्रेशन के साथ आपकी वॉच में। आपको टाइम सेट करने के लिए टाइम पे टैप करना है, ये है आवर और ये है मिनट। इस तरीके से आप टाइम सेट कर सकते हो और कौन से दिन को आपको ये अलार्म प्ले करना है तो दिन को आप चूज कीजिए। इसके बाद आपको करना है सेव पे टैप। तो इस तरीके से आप जो अलार्म है उसे सेट कर सकते हो। फिर है शटर, जैसे मैं इस पे टैप करूंगा आपको करना है वाइल यूजिंग दी ऐप, इसके बाद कैमरा ओपन होगा और यहाँ पे ओपन होगा शटर बटन, तो आप टैप करके यहाँ पे अपने फोन में फोटो कैप्चर कर सकते हो। आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर पाओगे। कैमरा को आप यहां से रोटेट कर सकते हो और यहां से फ्लैश को ऑन ऑफ कर सकते हो। आगे है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, तो ये है एक कॉलिंग वॉच, इसलिए आप इस वॉच में कॉन्टैक्ट्स को सेव करके रख सकते हो एक साथ 8 कॉन्टैक्ट्स को। तो आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट्स पे टैप करना है, ऐड पे टैप कीजिए। जिन किसी कॉन्टैक्ट्स को आपको सेव करना है आपको उस कॉन्टैक्ट के सामने जो नंबर है उस पर टैप करना है। जैसे आप नंबर पर टैप करोगे उसके सामने टिक हो जाएगी, तो मैं ऐसे 8 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने 8 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको करना है डन पे टैप। जैसे आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट शो कर रहे हैं सेम वैसे ही उसी ऑर्डर में आपको शो करेंगे आपकी वॉच में भी। अगर आपको इन्हें ऊपर नीचे करना हुआ तो 3 बार पे लॉन्ग टैप करके ड्रैग कीजिए, आप इन्हें इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी को भी रिमूव करना हुआ, दूसरा ऐड करना हुआ तो एडिट ऑल पे टैप कीजिए। मान लो आपको किसी को निकालना है तो जो टिक है उस पर टैप कीजिए, वहां से टिक रिमूव हो जाएगी। और आपको दूसरा नंबर ऐड करना है तो दूसरे नंबर पर टैप कीजिए, वहां पर टिक हो जाएगी। इस तरीके से आप ऐड और रिमूव कर सकते हो। सिंक करने के लिए फिर आपको करना है डन पे टैप। आपको याद रखना है इस कॉन्टैक्ट में ऐसा कोई भी नंबर ऐड नहीं करना जिसमें कि स्टार और हैश है। अगर ऐसा कोई नंबर ऐड करोगे तो आपके कॉन्टैक्ट सिंक नहीं होंगे। कॉन्टैक्ट सिंक हो चुके हैं। अगर आपको इसे देखना हुआ अपनी वॉच में तो आपको जाना है मेन मेनू में और आपको मिलेगा कॉलिंग का फीचर, इसमें जाना है कॉन्टैक्ट्स में और ये है आपके कॉन्टैक्ट्स जो आपने सेव किए हैं आपके वॉच में। अब फिर है अदर्स, मतलब कि सेटिंग्स का ऑप्शन। तो इसमें सबसे पहले है फाइंड डिवाइस, तो आप अपनी वॉच को ढूंढ पाओगे इस ऑप्शन के जरिए। अगर आपकी वॉच कनेक्टेड है फोन के साथ और अगर आपकी वॉच को ढूंढना हुआ तो इस पर टैप करना है आपको। जैसे आप टैप करोगे आपकी वॉच में होगा साउंड प्ले, वाइब्रेट होगा 3 बार और जो डिस्प्ले है वो भी ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी वॉच को ढूंढ पाओगे। फिर है टाइम फॉर्मेट, तो आपको मिलेंगे 2 ऑप्शंस, एक होता है 12 आवर और एक होता है 24 आवर। तो आपको जिस फॉर्मेट में टाइम को शो करना है आपकी वॉच में आपको उस फॉर्मेट को सेट करना है। टाइम को समझने में आसानी हो तो इसलिए आपको करना है 12 आवर। इसके बाद है यूनिट सिस्टम, तो इसमें आपको मिलेंगे 2 ऑप्शंस, एक है मेट्रिक और एक है इंपीरियल। मेट्रिक मतलब अगर आप डिस्टेंस कवर करोगे तो आपका कवर होगा किलोमीटर में और मीटर में, अगर आप इंपीरियल करोगे तो आपका डिस्टेंस कवर होगा माइल्स या फीट में। तो हमें करना है मेट्रिक, इंडिया में हम मेट्रिक यूज करते हैं। फिर है डू नॉट डिस्टर्ब, तो सबसे पहले आपको तो टाइम सेट करना है, जो टाइम आप सेट करोगे उसी टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अब ये फीचर काम करेगा मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आएंगे और आपकी वॉच में कोई भी साउंड या वाइब्रेशन नहीं होगा। फिर है रिमाइंडर्स टू मूव, मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर। अगर आपने इसे ऑन किया और अगर आप हर एक घंटे कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, मान लो आप ऐसे बैठे हुए हो एक घंटे के लिए, आप नहीं चले उठे, आपने कोई भी मूवमेंट नहीं की एक घंटे के दौरान, तो आपको आएगा अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए उठना चाहिए। तो सुबह के 10 से लेकर रात के 10 बजे तक ये रिमाइंडर आता रहेगा हर एक घंटे अगर आप कोई भी मूवमेंट नहीं करते तो। फिर है कंटिन्यूस हार्ट रेट डिटेक्शन, मतलब कि अगर आपको हार्ट रेट को ऑटोमेटिक पे सेट करना हुआ तो आपको यहाँ पे टाइमर सेट करना पड़ता है। मान लो मैंने टाइमर सेट किया है 20 मिनट, मतलब कि हर 20 मिनट में मेरी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा। तो आप अगर ऐसा चाहते हो ऑटोमेटिक हार्ट रेट तो आपको टाइमर सेट करके ऑन करना है। हालांकि इससे बैटरी ज्यादा यूज होती है इसलिए मैं इसे करूंगा क्लोज और मैं जब चाहे तब फिर अपनी वॉच में मैनुअली हार्ट रेट को मेजर कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर है कंट्रोल फोन म्यूजिक। तो अगर आप अपनी वॉच के जरिए अपने फोन के म्यूजिक को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। इतना ही नहीं, आप जो सॉन्ग का टाइटल है वो भी देख पाओगे अपनी वॉच में इसे ऑन करने के बाद। आगे है बैटरी सेविंग। तो अगर आपकी वॉच में बैटरी कम है या आपको अगर बैटरी सेव करनी है तो आप इसे ऑन कर सकते हो। अगर आप इसे ऑन करोगे तो चार चीजें होंगी। एक तो आपकी वॉच में कॉलिंग फंक्शन ऑफ हो जाएगा, वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी और जो रेस्ट वेक का फीचर है जिसे हम क्विक व्यू भी कहते हैं वो भी ऑफ हो जाएगा। लैंग्वेज आपको इंग्लिश रखनी है। फिर है ऑटो लॉक, मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट। तो यहां पे सेट किया गया है 5 सेकंड्स, मतलब कि अगर मैंने डिस्प्ले को ऑन किया तो 5 सेकंड तक ये ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। लेकिन आप चाहो तो इसे मैक्सिमम 30 सेकंड तक कर सकते हो। अगर मैं 30 सेकंड करूंगा, मतलब कि अगर मैं अब डिस्प्ले को ऑन करूंगा तो ये 30 सेकंड तक ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए तो आपको इसे 10 या 15 सेकंड पे सेट करना है ताकि आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिले। फिर है रिसेट, मतलब कि अगर आप अपनी वॉच के डेटा को और ऐप के डेटा को इरेज करना चाहते हो, सब कुछ क्लियर करना चाहते हो तो आपको रिसेट करना है, सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। आगे है क्विक व्यू, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर। मान लो डिस्प्ले इसका ऑफ है, अगर आप इसे ऊपर उठाओगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, इसे कहते हैं रेस्ट वेक या क्विक व्यू। तो अगर आपको इसे यूज करना है तो ऑन कीजिए और आप इसे टाइम के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। आप जो टाइम सेट करोगे उस टाइम के दौरान ही ये फीचर काम करेगा। आगे है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, मतलब कि पानी पीने का रिमाइंडर भी आप सेट कर सकते हो। आपको इसे ऑन करना है, आपको सुबह में कितने बजे स्टार्ट करना है पानी पीना। तो मान लो मैंने किया है सुबह में 9 बजे। इसके अलावा कितनी बार आपको पानी पीना है दिन में, तो मान लो मैंने किया है 6 बार। और हर कितने घंटे के बाद आपको पानी पीने का रिमाइंडर चाहिए, तो मैंने मान लो किया है यहाँ पे 120 मिनट, मतलब कि हर 2 घंटे में मुझे पानी पीने का रिमाइंडर आएगा 6 बार। फिर है हार्ट रेट वार्निंग। तो अगर आपने इसे ऑन किया है और मान लो आपने इसे सेट किया है 160 पे, इसका मतलब है कि जब भी आप हार्ट रेट को मेजर करोगे या जब भी आप वर्कआउट करोगे उसके दौरान अगर आपका हार्ट रेट 160 या उसके ऊपर पहुंचता है तो आपको आएगा अलर्ट कि अब आपका जो हार्ट रेट है अपर लिमिट के ऊपर पहुंच चुका है। फिर है वेदर इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको वेदर देखना हुआ आज का और अगले 6 दिन का आपकी वॉच में, तो आपको इसे ऑन करना है। हर घंटे वेदर जो होगा ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा। टेम्परेचर सिस्टम आपको सेल्सियस ही रखना है। सिटी आपको अपनी सर्च करनी या फिर अपना जो पिन कोड है अपने एरिया का उसे भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे करना है मुंबई के लिए, तो मुंबई पे मैं टैप करूंगा और मुंबई का जो वेदर होगा शो करेगा मेरी वॉच में। फिर है लास्ट में फीमेल लोगों के लिए फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रिमाइंडर। आपको इसे ऑन करना है अगर आप चाहते हो पीरियड ट्रैक करना। साइकिल डेज नॉर्मली होता है 28 या 29 डेज का, तो आपको उसके हिसाब से सेट करना है। मेंस्ट्रुअल डेज होता है 5 से 6 दिन के लिए, मतलब कि पीरियड के दौरान आपको कितने दिन के लिए पेन रहता है। इसके बाद लास्ट टाइम आपको कब आया था पीरियड, डेट आपको सेट करनी है। अब जब रिमाइंडर मोड आपको चाहिए तो कौन सा चाहिए, मेंस्ट्रुअल रिमाइंडर मतलब पीरियड के लिए। और नेक्स्ट टाइम जब आएगा पीरियड तो आपको कितने बजे चाहिए रिमाइंडर, तो आपको सुबह में जो टाइम है उसे सेट करना है, जैसे कि 8 बजे मैंने किया है। और फिजियोलॉजिकल साइकिल कैलेंडर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और यहाँ से मंथ भी चेंज कर सकते हो। बैक जाओगे तो आगे है अपग्रेड। तो आप यहाँ से जो अपडेट है चेक कर सकते हो और यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो अगर अवेलेबल है तो। इसके बाद बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की। तो ये लास्ट वाला है प्रोफाइल सेटिंग्स, इस पर टैप कीजिए। सबसे पहले प्रोफाइल, तो आप इस पर टैप करके अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट और स्टेप लेंथ, मतलब कि कदमों की लंबाई चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। इसके बाद है गोल, मतलब कि रोजाना आप कितने स्टेप चलना चाहते हो, आपका जो डेली स्टेप गोल्स है आप यहां से चेंज कर सकते हो। मान लो मुझे रोजाना चलने हैं 5000 स्टेप्स, तो मैं यहां पे अपने हिसाब से सेट करूंगा। फिर है बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन गाइड। तो इसके लिए आपको करनी है 2 चीजें, ताकि जो ऐप है बैकग्राउंड में अच्छे से वर्क करे और बार बार आपकी वॉच इस ऐप के साथ डिस्कनेक्ट ना हो। तो आपको इसे ओपन करना है रिसेंट ऐप्स में, और जो ऑप्शन है लॉक दिस ऐप, इस पर टैप करना है, लॉक का आइकन आएगा। इसके बाद आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और आपको सेट करना है इसे अनरिस्ट्रिक्टेड पे। 2 चीज आपको करनी है। फिर है गूगल फिट। तो अगर आप गूगल फिट का यूज करते हो तो आपको अपने इस ऐप के डेटा को सिंक करना है, तो आपको कनेक्ट पे टैप करना है। तो इस ऐप में जो भी डेटा होगा, जैसे SPO2, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, आपका डिस्टेंस, किलो कैलोरी, स्टेप्स, सब कुछ सिंक होगा इस ऐप में भी। तो आप दोनों ऐप में अपना डेटा देख पाओगे। तो आपको करना है कनेक्ट और परमिशन को अलाउ करना है। अब बात करते हैं होम पेज की।
जहां पे आपको देखने मिलेगा आपका हेल्थ और एक्टिविटी डेटा। सबसे पहले है स्टेप्स डेटा, तो टैप कीजिए। ये है आज के स्टेप्स, आज आप कितने स्टेप्स चले हो, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी आपने बर्न की है, कितने मिनट आप एक्टिव थे या कितने मिनट आप चले थे। इसके अलावा ग्राफ पे स्लाइडर पे स्लाइड करके आप चेक कर सकते हो कि आप कितने बजे कितने स्टेप्स चले थे। ये है डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस आइकन पे टैप करना है और आप जिस डेट पे टैप करोगे उस डेट का रिकॉर्ड आपको शो करेगा इस तरीके से। आगे है स्लीप डेटा, तो अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड होगा। स्लीप डेटा नाइट टाइम में ही रिकॉर्ड होता है, डे टाइम में रिकॉर्ड नहीं होता, तो आपको इस पर टैप करना है। आप कितने घंटे के लिए सोए टोटल, आपकी डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, अवेक टाइम कितने टाइम के लिए है, आप यहाँ पे ग्राफ पे स्लाइड करके चेक कर सकते हो। रैपिड आई मूवमेंट का मतलब होता है रेम। अगर आप सोते हो, सपने देखते हो, सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, तब आपकी आंखें मूव करती है यहां से वहां, उस टाइम को भी रिकॉर्ड किया जाता है। और अवेक मतलब सोने के दौरान बीच में अगर आप जागते हो तो उस टाइम को भी रिकॉर्ड किया जाता है। आप कितने बजे सोए, कितने बजे जागे, यहां पे टाइम भी शो करता है। आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस कौन से हैं और कितने टाइम के लिए है, आपका स्लीप क्वालिटी स्कोर कितना है, और लास्ट 7 डे का आपका स्लीप रिकॉर्ड यहां पे शो करता है। यह है डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस आइकन पे टैप करना है और आप किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। आगे है हार्ट रेट डेटा, तो अगर आपने अपनी वॉच में हार्ट रेट को मेजर किया होगा तो उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था और कितना रिजल्ट आया था यहाँ पे शो करता है। टैप करोगे तो ये है लास्ट टाइम का रिकॉर्ड, और लास्ट 7 टाइम आपने जो अपने हार्ट रेट को मेजर किए थे उसकी वैल्यू यहाँ पे शो करती है। ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो आपने इसे कब मेजर किया था और कितना रिजल्ट आया था। इसके अलावा मेजर पे टैप करके आप स्टार्ट कर सकते हो हार्ट रेट को मेजर करना अपनी वॉच में, और यही से इसे एंड भी कर सकते हो। और अगर आपको चेक करना हुआ कि पहले से लेकर अब तक आपने कितनी बार हार्ट रेट को मेजर किया है, उसका डेटा अगर आपको देखना हुआ तो आपको इस आइकन पे टैप करना है, और ये है वो सारा डेटा। तो आपने कौन सी तारीख को कितने बजे मेजर किया था और कितना रिजल्ट आया था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डिटेल में। आगे है बीपी, मतलब कि ब्लड प्रेशर, तो अगर आपने ब्लड प्रेशर को मेजर किया होगा अपनी वॉच में तो उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। टैप करोगे तो ये है लास्ट टाइम का डेटा। इसमें होती है दो वैल्यू, एसबीपी और डीबीपी। एसबीपी मतलब सिस्टोलिक, जिसकी वैल्यू नॉर्मली 90-140 के बीच में होनी चाहिए। डीबीपी मतलब डायस्टोलिक, जिसकी वैल्यू नॉर्मली 60-90 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू इस रेंज में है तो आपका बीपी नॉर्मल है। इसके अलावा लास्ट 7 टाइम का रिकॉर्ड आपको शो करेगा आपने ब्लड प्रेशर को मेजर किया होगा तो आप ग्राफ पे टैप करके चेक कर सकते हो कि कितने बजे आपने किया था मेजर और कितना आया था रिजल्ट। इसके अलावा मेजर पे टैप करके आप स्टार्ट कर सकते हो मेजर करना अपनी वॉच में, यही से एंड भी कर सकते हो। अगर आपको जानना हुआ कि पहले से लेकर अब तक आपने कितनी बार बीपी को मेजर किया है तो आपको इस आइकन पे टैप करना है और आप जो डेटा है चेक कर सकते हो कि कितने बजे या कौन सी तारीख को आपने मेजर किया था और कितना रिजल्ट आया था। इस तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पे डिटेल। फिर है ब्लड ऑक्सीजन, मतलब कि SpO2 नॉर्मली 95 या उसके ऊपर होना चाहिए, तो अगर आपने मेजर किया होगा अपनी वॉच में तो उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। टैप करोगे तो ये है लास्ट टाइम का रिकॉर्ड, और लास्ट 7 टाइम आपने जो भी मेजर किए हैं SpO2 उसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो करेगा। ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे आपने मेजर किया था और कितना रिजल्ट आया था। मेजर पे टैप करके आप स्टार्ट कर सकते हो मेजर करना, यहीं से आप इसे एंड भी कर सकते हो। अगर आपको जानना हुआ पहले से लेकर अब तक आपने कितनी बार SpO2 को मेजर किया है तो आपको इस आइकन पे टैप करना है। आपको मिलेगा सारा डेटा कि आपने कौन सी तारीख को कितने बजे मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट। आगे है आउटडोर रनिंग, मतलब कि आप इन ऐप GPS का यूज करके अपने फोन में जो आउटडोर वर्कआउट है उसे रिकॉर्ड कर सकते हो लाइव रूट के साथ। जैसे कि आपकी वॉच में GPS नहीं है लेकिन आप अपने फोन के GPS को यूज करके लाइव रूट के साथ आउटडोर वर्कआउट कर सकते हो अपने फोन में। आपको अपने फोन को साथ में लेकर वर्कआउट करना पड़ेगा, तो आपको करना है टर्न ऑन, अलाउ ऑल द टाइम, बैक जाइए, स्टार्ट कीजिए, तो ये जो वर्कआउट है आपके वॉच में भी स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना डिस्टेंस शो करेगा, कितना टाइम हुआ है, किलो कैलोरी कितनी एनर्जी बर्न हुई है, पेस कितनी है, पेस मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा, ये है मिनट और ये है सेकंड।
स्टेप्स कितने चले हो आप टोटल। अगर आपको देखना हुआ आपका लाइव रूट कि आप कौन से रूट पे वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको मैप पे टैप करना है। मैप पे आप यहां पे देख पाओगे आपका लाइव रूट वर्कआउट के दौरान। अगर आपको बैक जाना हुआ तो नॉर्मल पे टैप कीजिए। अगर आपको इसे पोस्ट करना हुआ तो लॉन्ग टैप कीजिए यहां पे, और आप यहां से रिज्यूम कर सकते हो या फिर आप इसे स्टॉप भी कर सकते हो इस तरीके से। फिर आप अपनी वॉच में जो भी वर्कआउट करोगे तो जो लेटेस्ट 2 वर्कआउट है आपको यहां पे शो करेंगे। अगर आपको जानना हुआ सभी वर्कआउट के बारे में एक साथ, तो आपको लुक मोर ट्रेनिंग डेटा पे टैप करना है। ये रहे वो सारे वर्कआउट जो आपने किए आपकी वॉच में। अगर आपको किसी के बारे में डिटेल में जानना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है। ये कौन सा वर्कआउट है, आपने कौन सी तारीख को कितने बजे किया था, आपका हार्ट रेट कितना था, एवरेज हार्ट रेट, इसके अलावा टाइम के हिसाब से आपका हार्ट रेट कैसे चेंज हुआ था आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। आपने इस वर्कआउट को कितने टाइम के लिए किया था, आपके स्टेप्स कितने थे, डिस्टेंस कितना कवर किया था, किलो कैलोरी एनर्जी कितनी बर्न की थी, स्पीड आपकी कितनी थी, स्पीड मतलब एक घंटे में आपने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था या कर पाओगे, आपकी पेस कितनी थी, एवरेज हार्ट रेट आपका कितना था, आपका हार्ट रेट कौन से जोन में कितने टाइम के लिए था यहाँ पे शो करता है। दोस्तों ये था ऐप के बारे में। अब हम देखेंगे आपको वॉच में कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स देखने मिलते हैं। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है 3 फंक्शंस। तो अगर आप होम पेज पे हो, ऐसे में अगर आपने इस पे प्रेस किया तो आप अपने डिस्प्ले को ऑन या ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको बैक आना हुआ तो आप स्टेप बाय स्टेप बैक जा सकते हो। आपको बटन पे प्रेस करना है इस तरीके से बैक जाने के लिए। बैक जाने के लिए और एक तरीका है, तो आपको जेस्चर का यूज करना है, आपको ऐसे स्वाइप करना है राइट में बैक जाने के लिए। अगर आप इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को स्विच ऑफ कर सकते हो। आपको टिक पे टैप करना है, आपकी जो वॉच होगी स्विच ऑफ हो जाएगी। होम पेज पे होते हुए अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन पैनल, आप अपने जो मैसेज है यहां पे रीड कर सकते हो। और होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, सबसे ऊपर में बैटरी लेवल, इसके अलावा डेट और डे, इसके बाद है सबसे पहले टॉगल DND का, मतलब कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आएंगे और कोई भी साउंड या वाइब्रेशन नहीं होगा। फिर ब्राइटनेस, तो आप यहां पे ब्राइटनेस को स्लाइड करके एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। फिर है बैटरी सेविंग मोड, जो हम ऐप में भी देख चुके हैं। अगर आप इसे ऑन करोगे तो 4 चीजें होंगी जिसके बारे में मैंने बताया है। फिर है मेनू व्यू, तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 8 अलग अलग मेनू व्यू। आप जो मेनू व्यू है उसे चेंज कर सकते हो। एक होता है लिस्ट, अगर आप लिस्ट पे करोगे तो आपके जो मेनू है इस तरीके से शो करेंगे वर्टिकली। अगर आप चेंज करोगे हनीकॉम में तो इस तरीके से शो करेंगे। अगर ग्रिड, तो ये है ग्रिड। अगर पैरेलल करोगे तो ये है पैरेलल। सरफेस, इस तरीके से शो करेंगे सरफेस। क्रेसेंट, इस तरीके से। फुल मून, इस तरीके से। हेल्म, इस तरीके से। आपको जिसे ओपन करना है उसे पहले नीचे लेके आना है, फिर आपको बीच में टैप करना है और वो ओपन हो जाएगा। आगे है कॉलिंग के फीचर को ऑन ऑफ करने का टॉगल। तो अगर आपको कॉलिंग का फीचर यूज करना है, अगर आप चाहते हो अपनी वॉच में कॉल को रिसीव करना, तो इसे ऑन रखिए। अगर आपको कॉल को रिसीव नहीं करना है अपनी वॉच में तो आपको इसे ऑफ करना है। कॉल हालांकि शो करेंगे लेकिन आप कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे। अगर कॉल आपको रिसीव करना है, डायल करना है, तो आपको इसे ऑन रखना है। इसके बाद है सेटिंग्स। तो इसमें सबसे पहले है डिस्प्ले, जिसमें आपको सबसे पहले मिलेगा ब्राइटनेस। तो आप यहां से ब्राइटनेस को स्लाइड करके एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद है ऑटो स्लिप, मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट, जो पहले ही हम देख चुके हैं ऐप में कितने सेकंड के लिए आपको डिस्प्ले को ऑन रखना है। तो 5 से लेकर 30 सेकंड के बीच में आप टाइमर को सेट कर सकते हो। इसके बाद है वॉच फेस, तो आप स्वाइप करके वॉच फेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। आपको जिसे सेट करना है आपको उस पर टैप करना है और वो सेट हो जाएगा, या फिर आप होम पेज पे लॉन्ग टैप करोगे ऐसे में भी आप स्वाइप करके वॉच फेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। फिर आगे है मेनू व्यू, तो जो मेनू स्टाइल है आप यहां से भी चेंज कर सकते हो। आप कौन से स्टाइल में मेनू को देखना है, आपको जिसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए, वो सेट हो जाएगा। और फिर है क्विक व्यू, मतलब कि रेस्ट टू एक का फीचर, आप यहां से भी वन टैप में ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर आगे है कॉल अलर्ट, मतलब कि अगर कोई भी कॉल आता है तो आपको किस टाइप से अलर्ट चाहिए। तो सबसे पहले है मोड, मतलब कि वाइब्रेट चाहिए, वाइब्रेट या रिंग, और म्यूट। वाइब्रेट मतलब अगर कोई कॉल आएगा तो आपकी वॉच केवल वाइब्रेट करेगी। अगर आपको वाइब्रेट भी चाहिए और रिंग भी चाहिए तो आपको करना है वाइब्रेट एंड रिंग।
अगर आपको वाइब्रेट भी नहीं चाहिए और रिंग भी नहीं चाहिए तो आपको करना है म्यूट, तो आपको जो मोड सेट करना है उसे आप सेट कर सकते हो। फिर है इंटेंसिटी वाइब्रेशन के लिए, तो अगर कोई भी कॉल आता है तो कितना वाइब्रेशन आपको चाहिए, सॉफ्ट मतलब हल्का सा और स्ट्रॉन्ग मतलब अगर आपको ज्यादा फील करना हुआ वाइब्रेशन को तो आप स्ट्रॉन्ग सेट कर सकते हो। अगर आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए कॉलिंग अलर्ट में तो आप क्लोज स्पेस सेट कर सकते हो। फिर है डीएनडी मोड, तो आप यहां से भी वन टैप में इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद है लो पावर मोड जो हम देख चुके हैं, बैटरी सेविंग मोड, इसे अगर आप ऑन करोगे तो चार चीजें होंगी, पहले मैंने इसे बताया है। फिर है फोन ऑन, तो कॉलिंग के फीचर को आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर है बीटी रिसेट मतलब कि ब्लूटूथ कॉलिंग रिसेट, तो अगर आप इसे टैप करोगे तो आपकी वॉच में जो भी आपने कॉन्टेक्ट सेव किए हैं, जो भी आपकी कॉल हिस्ट्री है, वो सब कुछ इरेज हो जाएगी, डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे टैप करना है। फिर है सिस्टम, इसमें आपको मिलेंगे तीन ऑप्शन। इस वॉच को आप यहां से रिस्टार्ट कर सकते हो, स्विच ऑफ कर सकते हो और इस ऐप के डेटा को या इस वॉच में जो भी डेटा है उसे इरेज कर सकते हो। सब कुछ डेटा यहां से इरेज हो जाएगा अगर आप रिसेट करोगे तो। फिर है अबाउट, जिसमें आप वर्जन चेक कर सकते हो, सॉफ्टवेयर वर्जन, इस वॉच का मॉडल नेम, मैक एड्रेस और बैटरी लेवल। और फिर है ऐप क्यूआर मतलब कि अगर आपको डाफिट ऐप को डाउनलोड करना हुआ तो आप इस कोड को स्कैन कर सकते हो। हालांकि हमने पहले ही डाउनलोड कर लिया है तो आपको इस कोड को स्कैन करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मेन मेनू की। जैसे आप स्वाइप राइट करोगे तो आपको मिलेगा मेन मेनू, सबसे पहले ऊपर में शो करेगा वॉइस असिस्टेंट, तो आप इस पर टैप करके अपनी वॉच में हाउ इज द वेदर, इट्स 28 एंड मोस्टली क्लाउडी टुडे, देयर विल बी स्कैटर्ड क्लाउड्स, ये जो फीचर है लोकेशन से भी काम करेगा। टेल मी लाइव क्रिकेट स्कोर, टुडे अफगानिस्तान विल प्ले इंडिया एट 7:30 PM, यस्टरडे अफगानिस्तान लॉस्ट टू पाकिस्तान। तो अगर आपको सभी मेनू को एक्सेस करना हो तो आपको मेनू बटन पर टैप करना है, यहां से आप सभी मेनू को एक्सेस कर पाओगे एक साथ। तो सबसे पहले है एक्टिविटी, इस पर टैप करोगे तो आपको शो करेगा आज का डेटा, आज आप कितने स्टेप चले हो, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है, कितने मिनट के लिए आप एक्टिव थे या कितने मिनट आप चले थे। इसके अलावा लास्ट 24 आवर का रिकॉर्ड आपको शो करेगा कि कितने बजे के दौरान आपने कितने स्टेप चले थे, और ये 7 डे का रिकॉर्ड। फिर है फोन कॉल मतलब कि कॉलिंग का फीचर, इसमें आपको मिलेंगे तीन ऑप्शंस, रिसेंट कॉल, डायल पैड, कॉन्टैक्ट, जो भी आपने कॉन्टैक्ट ऐड किए यहाँ पे शो करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो टैप करके आप उसे कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे चार ऑप्शंस, तो ये है वॉल्यूम के लिए, कॉलिंग के दौरान आप यहाँ से वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा, ये है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन, तो इस पे टैप करके आप माइक को म्यूट कर सकते हो, मतलब सामने वाले को आपकी आवाज नहीं सुनाई जाएगी। इसके बाद है कॉल को स्विच करने का फीचर, मतलब कि अब जो कॉल है यहाँ पे रिसीव हो रहा है वॉच में, अगर आप चाहो तो इस कॉल को स्विच कर सकते हो फोन में। तो जो आप देख पा रहे हो कॉल जो है फोन में स्विच हो चुका है। अगर आपको आना है वापस वॉच में तो इस पर टैप कीजिए। इस तरीके से आप कॉल को स्विच कर सकते हो, वॉच टू फोन, फोन टू वॉच, और फिर यहाँ पे है एंड करने का ऑप्शन, तो आप कॉल को एंड कर सकते हो इस तरीके से। और जो भी आप कॉल करोगे आउटगोइंग या इनकमिंग, उसका अगर आपको रिकॉर्ड देखना हुआ तो आपको जाना है रिसेंट कॉल में, आपको मिलेगी यहाँ पे कॉल हिस्ट्री, तो आपके जो लास्ट 4 कॉल्स है यहाँ पे शो करेंगे और आप उस पर टैप करके वापस उसे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इस कॉल हिस्ट्री को डिलीट करना हुआ तो आप यहाँ से क्लियर ऑल भी कर सकते हो। और फिर एंड में है डायल पैड, तो आप यहाँ पे किसी भी नंबर को डायल करके कॉल कर सकते हो इस तरीके से। फिर है हार्ट रेट, तो आप यहाँ से हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो, आपका जो भी रिजल्ट आएगा ऊपर में शो करेगा, आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा है यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा लास्ट 24 आवर का रिकॉर्ड शो करेगा, अगर आपने ऑटो हार्ट रेट को ऑन किया होगा तो आपका हार्ट रेट कौन से जोन में है यहाँ पे शो करता है। आगे है स्लीप डेटा, तो आप यहाँ पे भी अपना स्लीप डेटा चेक कर सकते हो, आप टोटल कितने घंटे के लिए सोए, कितने बजे आपको नींद लगी, कितने बजे आप जागे, टाइम भी शो करता है यहाँ पे सर्कल में। इसके अलावा कितने स्टार आपको मिले हैं आउट ऑफ 5, आपका वोकअप टाइम, रेम टाइम, लाइट स्लीप, रेस्टफुल स्लीप कैसी है, कितनी है, यहाँ पे ग्राफ वाइज शो करता है अलग अलग कलर में। आगे है ब्लड प्रेशर, तो आप यहाँ से बीपी मेजर कर सकते हो, आपकी दोनों वैल्यू यहाँ पे शो करेगी एसबीपी डीबीपी, तो आज आपका एसबीपी डीबीपी कौन से रेंज में है मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा लास्ट 7 टाइम आपकी वैल्यू कैसी आई थी ग्राफ में यहाँ पे शो करता है। फिर इसके बाद है
SpO2, तो आप यहां से मेजर कर सकते हो, आपका जो भी वैल्यू आएगा यहां पे शो करेगा आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा है SpO2, यहां पे शो करता है। और फिर स्वाइप अप करोगे तो लास्ट 7 टाइम आपकी जो वैल्यू है यहां पे शो करती है ग्राफ वाइज। और फिर ट्रेनिंग है मतलब कि वर्कआउट मोड, जिसमें आपको मिलेंगे यहां पे 120 प्लस स्पोर्ट्स मोड, लेकिन आप एक साथ यहां पे 19 वर्कआउट मोड को सेट करके रख सकते हो, जिसमें है क्रिकेट, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्लाइंबिंग, टेनिस, रग्बी, गोल्फ, योगा, वर्कआउट ओपन, डांसिंग, बेसबॉल, इलिप्टिकल, इंडोर साइकिलिंग, फ्री ट्रेनिंग। अगर आपको अगर ऐड करना हो किसी को तो आपको प्लस के साइन पर टैप करना है, यहां पे मिलेंगे आपको अलग अलग कैटेगरी। अगर आपको किसी को ऐड करना हुआ तो आपको उस कैटेगरी पे टैप करना है और फिर आपको उस स्पोर्ट्स के सामने प्लस का साइन है उस पर टैप करना है। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो और जो भी ऐड करोगे आपको अब ऊपर में शो करेंगे। ये रहे ऊपर में वो सारे नए वर्कआउट जो हमने ऐड किए हैं, टेबल टेनिस, हॉकी और वॉलीबॉल। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि अगर आप 3 ऐड करोगे तो 3 पुराने नीचे से यहां से रिमूव हो जाएंगे, जितने आप ऐड करोगे उतने पुराने नीचे से रिमूव होते जाएंगे। हालांकि आप यहां पे एक साथ 19 वर्कआउट मोड को ही शो कर सकते हो, हालांकि चॉइसेस है आपके पास 120 प्लस। अगर आपको किसी को भी स्टार्ट करना हुआ वर्कआउट मोड को तो आपको उस वर्कआउट मोड पे टैप करना है, जैसे मुझे स्टार्ट करना है वॉकिंग तो मैं इस पे टैप करूंगा। 3 सेकंड के टाइमर के बाद वर्कआउट स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको शो करेगा टाइमर, इसके अलावा आप कितने स्टेप्स चले हो टोटल, किलो कैलोरी एनर्जी कितनी बर्न हुई है, आपका हार्ट रेट और टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है, आपका हार्ट रेट कौन से जोन में है। स्वाइप करोगे तो आप यहां से पोज या रिज्यूम कर सकते हो और यहां से इसे एंड भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए ये वर्कआउट करना है, तब जाके आपका वर्कआउट डेटा इस वॉच में और इस ऐप में सेव होगा। और जो भी वर्कआउट आप करोगे उसका डेटा अगर आपको देखना हुआ तो आपको मिलेगा ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स में, तो आपने जो भी वर्कआउट किए यहाँ पे शो करेंगे। अगर आपको जिसके बारे में जानना हुआ डिटेल में उस पर टैप कीजिए, आपको मिलेगा उसका डेटा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको इनको क्लियर करना हुआ तो आप यहाँ से क्लियर ऑल भी कर सकते हो। फिर है वेदर, तो आप यहाँ से वेदर इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, अभी फिलहाल कितना वेदर चल रहा है, कितना टेम्परेचर है और क्लाउडी है, सनी है या रेनी है। इसके अलावा आज का सनराइज और सनसेट टाइम और आने वाले अगले 6 दिनों का वेदर फोरकास्ट आपको शो करेगा मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ। इसके बाद है मैसेज, आप यहां से भी चेक कर सकते हो। फिर है शटर, तो आप अपनी वॉच में ओपन कर सकते हो शटर, टैप करोगे तो फोटो कैप्चर होगी, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ऐप को ओपन करना पड़ेगा। दाफिट ऐप को ओपन कीजिए, उसके बाद ही ये फीचर काम करेगा। आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो अपनी वॉच के जरिए आपके फोन में। फिर है प्लेयर मतलब कि म्यूजिक प्लेयर, तो आप यहां पे अपनी वॉच में म्यूजिक प्ले कर सकते हो और आपके फोन का जो म्यूजिक है उसे भी कंट्रोल कर सकते हो। प्ले कीजिए, अब प्ले हो रहा है वॉच में। वॉल्यूम यहां से एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रीवियस, अब जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है वॉच में। अगर आप चाहते हो म्यूजिक प्ले हो आपके फोन में तो आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में, लॉन्ग टैप कीजिए बी पे, और जो ऑडियो फायरबॉल 039 लिखा हुआ है उसके सामने गियर का आइकन है उस पर टैप कीजिए और ऑडियो के टोगल को ऑफ कीजिए। अब म्यूजिक प्ले होगा आपके फोन में। तो आपको याद रखना है अगर आप ऑडियो को ऑन रखोगे तो जो भी ऑडियो आप प्ले करोगे आपके वॉच में ही प्ले होगा, आप देख पा रहे हो। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको इस ऑडियो के टॉगल को ऑफ करना है, उसके बाद ही जो भी साउंड होगा आपके फोन में प्ले होगा। अगर आप चाहते हो जो साउंड है वॉच में प्ले हो तो आपको इसे ऑन रखना है। फिर है रिलैक्स मतलब कि गाइडेड ब्रीदिंग, तो आपको मिलेंगे 2 ऑप्शंस, स्ट्रेस और फॉलिंग अस्लिप। अगर आप स्ट्रेस में हो तो इसे करिए, अगर आपको सोना है तो इसे करिए। तो स्ट्रेस करेंगे हम, टाइमर सेट कीजिए, इसके बाद आपको सांस लेनी है छोड़नी है, जैसे सर्कल छोटा होता है बड़ा होता है उस तरीके से आपको इनहेल करना है एक्सेल करना है। इनहेल मतलब सांस लेनी है और फिर एक्सेल मतलब सांस छोड़नी है। तो जितना आपने टाइम सेट किया है उतने टाइम के लिए आपको ऐसा करना है। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। काउंट डाउन मतलब कि टाइमर, तो यहां पे है अलग अलग टाइमर, आप चाहो तो मैक्सिमम कस्टमाइज पे टैप करके 23 आवर 59 मिनट और 59 सेकंड तक का जो टाइमर है उसे सेट कर सकते हो, मतलब कि ऑलमोस्ट 24 आवर का। फिर है
आगे अलार्म का ऑप्शन, जो भी अलार्म आपने सेट किए आपके ऐप में यहां पे शो करेंगे, आप यहां से उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। हालांकि आप यहां से इसे चेंज भी कर सकते हो, टाइम पे टैप करके आप टाइम को चेंज कर सकते हो, डे को भी चेंज कर सकते हो, तो आप यहां पे टाइम भी सेट कर सकते हो और जो अलार्म है उसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इसके बाद है स्टॉपवॉच, तो आप यहां से स्टॉपवॉच को यूज कर सकते हो, स्टार्ट कीजिए। लैप का भी ऑप्शन दिया गया है, मैक्सिमम आप 3 लैप यहां पे दे सकते हो। स्टॉप कीजिए, रिसेट कीजिए, बैक जाइए। और फिर आगे है मेंस्ट्रुएशन, तो अगर आप फीमेल हो और अगर आपने फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर को ऑन किया है तो आपके यहां पे जो मेंस्ट्रुएशन डेज है शो करेंगे इस तरीके से। फिर है फ्लैशलाइट, आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो फ्लैशलाइट को। और फिर है फाइंड फोन, तो इसके जरिए आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपका फोन कहीं पे पड़ा हुआ है, आपको मिल नहीं रहा है, तो अगर आपका फोन रेंज में है तो आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो। आपके फोन में रिंग प्ले होगी, आपका फोन अगर साइलेंट भी हुआ फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी, आप इस पर टैप करोगे तो। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। इस तरीके से आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो। इसके बाद है गेम, इसमें आपको मिलेंगे 4 गेम, फ्लोपी, हैमस्टर, बैटलशिप और 2048। आपको जिसे प्ले करना है प्ले कीजिए, फिर आप इस तरीके से गेमिंग कर सकते हो अपनी वॉच में। फिर है कैलकुलेटर, तो आप यहां पे कैलसी का भी यूज कर सकते हो, आपके बेसिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज। अगर आपको परसेंट फाइंड करना हुआ, मान लो कि 500 के 20%, तो मैं करूंगा 500 के 20%, ये आएगा आंसर, आप देख पा रहे हो इस तरीके से। फिर है अदर, मतलब कि सेटिंग्स, जो हम पहले ही देख चुके हैं। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स और विजेट्स की, तो आपको स्वाइप करना है लेफ्ट में, यह है एक्टिविटी जो हम देख चुके हैं। फिर है फोन कॉल, यह भी देख चुके हैं। स्लीप डेटा, हार्ट रेट, म्यूजिक प्लेयर, वेदर। अगर आपको ऐड करना हुआ किसी भी शॉर्टकट को तो आपको प्लस के साइन पर टैप करना है। आपको जिसे ऐड करना है उस पर टैप कीजिए। मान लो मुझे ऐड करना है कैलसी को, तो मैं इस पर टैप करूंगा। अब मुझे ऐड करना है शटर को, तो मैं इस पर टैप करूंगा। इसके अलावा अलार्म को, तो मैं इस पर टैप करूंगा। इस तरीके से आप जो शॉर्टकट्स है उन्हें ऐड कर सकते हो। अगर आपको किसी को भी रिमूव करना हुआ तो आपको उस पर लॉन्ग टैप करना है और माइनस के साइन पर टैप करके आप उन्हें रिमूव कर सकते हो, और ऐड करना है, रखना है इसे, तो टैप कीजिए यहां पे, यहां पे स्टे रहेगा। दोस्तों ये थे वो फीचर्स और सेटिंग्स जो आपको देखने मिलते हैं इस वॉच में, और ये था फायरबोल्ट निंजा कॉलिंग प्रो का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।